आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए। किसी भी संख्या का कोई भी नंबर हो, परफेक्ट नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी हो, किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो ये 15 ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका निकाल सकते हैं हम लोग। 5 का निकाल सकते हैं हम लोग, 26 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला इसका, ये कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला है, जो यहाँ पर होगा रूट एक्स प्लस माइनस, इसको भी समझाते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ये रूट एक्स और यहाँ हो जाएगा वाई, ओनली वाई, ये है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को केवल याद रखना है और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पर समझना ये है कि अगर लेते हैं 32, तो 32 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, या फिर लेते हैं 5 एग्जांपल समझते हैं, 5 से 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 5 से नज़दीक या तो इसका पीछे या तो उसका आगे का वही नंबर लेना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं इसका 4, तो 4 हो गया। अब 4 में प्लस करना होगा 5 लाने के लिए या माइनस करना होगा, तो प्लस, तो यहाँ लिखेंगे +1, यही यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन दिया हुआ था। यहाँ पर अगर होता 3 तो 4 -1 लिखते, इसलिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, इसको तोड़ देना है, 5 है इसको तोड़ देना, रूट 5 का वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करना है यार, रूट एक्स यानी कि 4 का रूट लिखना है, 4 का रूट कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और इस जगह पे वाई जो है यहाँ पर बैठाना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी क्या बैठेगा, 1 बैठेगा, बाय में 2 का 2 रहेगा, इंटू में रूट एक्स यानी कि रूट 4 है, तो यहाँ पर रूट 4 रहेगा ये वाला। अब यहाँ से रूट 4 का वैल्यू 2 आ गया, और प्लस 1 2 का 2 और इंटू में 4 का रूट 2 होगा। तो अब यहाँ से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 + 1 बाय 2 जब 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 + 1 को 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 0.025 आएगा। तो ये लगभग में इस तरह से जो आंसर आता है 2.25, ये लगभग आ गया, ये रूट 5 का जो वैल्यू है ये लगभग इस तरह से आ गया। इसी तरह से आप निकाल कर बता सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक बताते हैं माइनस वाला, माइनस वाला यहाँ पर अगर बताते हैं तो माइनस का किस तरह से बनेगा। अगर ले लेते हैं माइनस, सपोज दैट -15 ले लेते हैं, तो -15 को तोड़ना है किस में तोड़ेंगे, 16 - 1 15 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है रूट 16 को बैठा देना है, और माइनस है तो यहाँ भी माइनस बैठाना है, ये 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, बाय में 2 का 2 रहेगा, और 16 रूट 16 का यहाँ पर रूट 16 होगा, यहाँ पर रूट 16 का 4 होगा, -1 2 और फिर रूट 16 का 4 होगा, 4 - 1/8 हो जाएगा। 1 को 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.125 आएगा। इसमें माइनस कर देंगे तो 3 point, इसमें माइनस करना है तो ये आ जाएगा 3 point अप्रोक्स, लगभग इतना होगा, माइनस कर देना, माइनस करने, आई होप माइनस करने आता होगा। यहाँ पर 5 9 2 7 9 1 8, ठीक है इतना आएगा। माइनस कैसे करना है, 4 point नहीं है दे देंगे, इसमें 0.125 ऐसा इसको अरेंज कर लेना है, 4 में पॉइंट नहीं था, 4 में पॉइंट दे लेंगे, उसके बाद इसमें पॉइंट के बाद 3 digit, तो इसमें भी 3 digit के लिए 3 0 बैठा देंगे अपने से। और अब है यहाँ कि माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 5 चलेगा इधर से, तो ये इस तरह से 5, यहाँ पर 9 में 7, 9 में 2 7, फिर यहाँ 9 में 1 8 होगा, दशमलव का दशमलव 1 दिया इधर, 3 बचा, इस तरह से ये माइनस किया जाता है। अब देखते हैं इसमें एकदम सेकेंड में कैसे निकलेगा, कोई भी डिजिट सोचते हैं, मान लीजिए 16 या 18 सोच लिए, सिंपल सा, पहले इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, 16 + 2 राइट। अब यहाँ से 16 का लिखेंगे 4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और ये 4 का डबल, इसी 4 का डबल हो गया, कटेगा तो 1/4 आएगा,
चार प्लस एक को चार से भाग देंगे, एक को चार से भाग देंगे तो 0.25 जोड़ देंगे 4.25, ये आ गया आंसर लगभग में। इस तरह का आंसर जो आता है ये लगभग में आता है, ये आया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, सत्ताईस का बताते हैं। सत्ताईस का अगर बताते हैं रूट सत्ताईस का तो कैसे बनेगा, इसको तोड़ देंगे 25 प्लस 2। अब क्या करना है, 25 का वर्गमूल 5 प्लस है तो प्लस, ये 2 ऊपर में और इसका डबल 5 का डबल 10, 5 इसको भागा दे देंगे 0.2 यानी कि 5.2 आ गया। बिल्कुल एकदम कम समय में रूट आ जाएगा। आई होप ये समझ में